हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब बस हो गई है किकी की सुबह। बस अब एवरीडे की तरह हम देख रहे थे हनुमान चालीसा, और ये किकी भी हनुमान चालीसा रोज़ सुनती है और आज देख भी रही थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो टीवी ना देखे, बट मैं हमेशा थोड़ा सा फेल हो जाती हूँ। फिर मैंने किया जोजो को फीड। एक्चुअली जोजो का ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था और बच्चीना एक बार ठंडा हो चुका था, तो मैंने उसे वापस से रीहीट किया और जोजो को कराया ब्रेकफास्ट। और फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट जो जो इस तरीके से कर रहा था चिल, बट उसे एक मक्खी ने बहुत परेशान किया। एक्चुअली जो जो हेट्स मक्खी, और ये देखिए किस तरीके से फेसेस, फनी फेसेस बना रहा है। फिर कीकी और मेरी मम्मी, हम सब देख रहे थे मिलकर रचना मौसी का व्लॉग। यस, रचना मौसी का व्लॉग है द लाइफ स्टाइल टेज। वो कीकी की दादी हैं और नीलेश की मौसी हैं। वो आज इस व्लॉग में इसीलिए थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि उनका फेसबुक पेज जो है वो हैक हो चुका था। तो हम उनका व्लॉग इस तरह से रोज़ इन्जॉय करते हैं, और किकी भी उनकी बातें और उनकी आवाज़ें इसी तरीके से सुनती है और इन्जॉय करती है। देखो देखो दादी का वीडियो देखो। बस फिर इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर जोजो को लेकर, क्योंकि आ गई थी मेरी हाउस हेल्प। और फिर हम मैंने सोचा कि अब मैं आ ही जाती हूँ रोज़ ऊपर, तो मैं क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ और थोड़ा सा कैलोरीज करूँ बर्न। तो इसी तरीके से मैंने थोड़े देर वॉक किया ऑन ट्रेडमिल। ये देखिए जोजो का फ़नी फेस। एक्चुअली इसे ट्रेडमिल से बहुत डर लगता है। पहले जब भी मैं ट्रेडमिल जैसे ही ऑन करती थी और इस ऑन होने की आवाज़ से ये दौड़ कर भाग जाया करता था, क्योंकि मैं इसे ट्रेडमिल पर चढ़ा दिया करती थी। बट आज ये फाइनली बैठकर ऐसे देख रहा है। फिर हो गई थी शाम और मम्मी कीकी को लेकर बाहर बैठी थी, और इधर जो बैठ कर फोमो फील कर रहा था और मुझे भी फिर बुरा लगने लगा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जोजो को लेकर बाहर चली जाऊँ। और ये देखिए बाहर आने के बाद इसने क्या किया, कि इसी तरीके से इसे बाल्टी मग इन सब से खेलना बहुत पसंद है। आप इसे कोई भी टॉय दे दो, ये ज़्यादा देर नहीं खेलेगा। इसे बाल्टी मग यही दे दो, ये इसे दिन भर खेलता रहेगा और इसी तरह ये अपना कैलोरीज बर्न करता है। एक बार इसने टेरेस से बाल्टी को लेकर ये ग्राउंड फ्लोर तक ले आया था, क्योंकि हम इसे किसी भी बाथरूम में घुसने नहीं दे रहे थे बाल्टी लेने के लिए। तो इसे बाल्टी मग से बहुत प्यार है। और फिर आया किकी के लिए गिफ्ट। किकी की होने वाली मामी ने भेजा उसके लिए क्यूट सा सैंटा ड्रेस। एक्चुअली हम बहुत दिनों से उसके लिए क्रिसमस के लिए एक अच्छा सा क्यूट सैंटा ड्रेस ढूंढ रहे थे, तो उसकी मामी ने उसके लिए कैलकटा से ही भेज दिया। सो थैंक यू मामी। फिर देखिए किकी किस तरीके से कर रही है इंजॉय। मैं कोशिश करती हूँ कि वो इस तरह से अपना थंब और अपना फिर सकिन ना करें, बट कांट हेल्प इट। और फिर उसके बाद बज गए रात के 8। किकी का मालिश का टाइम हो गया, तो मैंने मम्मा को बोला आप उसका मालिश करो, मैं फटाफट जोजो को लेकर जाती हूँ फॉर वॉक, क्योंकि इसके बाद आने वाले हैं जोजो और किकी के पापा। ये देखिए किस तरीके से वेट कर रहा है वॉक पर जाने के लिए। फिर मैं इसे लेकर गई वॉक पर, इसने किया थोड़ा सा टाइम इन्जॉय। और ये इधर देखिए, इसे मैंने गोद में इसलिए उठाया है क्योंकि साइड में दो स्ट्रेज खड़े थे और ये स्ट्रे हमेशा जोजो पर अटैक करते हैं। और फिर फाइनली हम पहुंच गए घर, बट जोजो का आज बिल्कुल मन नहीं था घर जाने का। ये देखिए इसे बिल्कुल घर नहीं जाना है, इसे और वॉक करना है। और बस देखिए जोजो किस तरीके से हो रहा है एक्साइटेड, क्योंकि आ गए हैं जोजो और कीकी के पापा। नीलू बाहर ऊबर में वेट कर रहा था, वो शायद पेमेंट कर रहा था। और इधर जोजो का एक्साइटमेंट देखो आप, उससे रहा नहीं जा रहा है कि कब नीलू अंदर आएगा और वो कब नीलू से मिलेगा। बस फाइनली आ गए थे किकी एंड जोजो के पापा। जोजो तो इतना एक्साइटेड और इतना खुश हो रखा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए,
फिर फाइनली नीलू ने किया हैंड सैनिटाइज और कीकी को लिया, और देखी कीकी उसकी तरफ देख ही नहीं रही है, वो जहाँ टर्न हो रहा है वो वहाँ मुँह घुमा ले रही है। फिर फाइनली उसने नीलू को देखा एंड शी स्माइल्ड। सो फिर इसके बाद नीलू और जोजो दोनों मिले। नीलू भी जोजो से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड है। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।